हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ए के एस वर्ल्ड न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस। देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियली वेबसाइट है, बिहार पुलिस, बिहार पुलिस डॉट बिहार डॉट एन आई सी डॉट इन का ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको आ जाना है। तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस में यहाँ पे कुछ पदों पर रिक्तियाँ आई हुई हैं, तो इसके रिगार्डिंग मैं आज आप लोग को वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट का और इसके पीडीएफ का लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आप हमारे साथ व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आइएगा, यहाँ पर एक लिंक आप लोग को दिया गया, आप लोग देख सकते हैं, बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में परिचारी विशिष्ट रसोईया पदों पर नियुक्ति, यानी रसोईया के पदों पर यहाँ पे आवेदन आप लोग को करना है। जो लोग इसमें चाहें आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं इसलिए, लेकिन ऑफलाइन माध्यम से यहाँ पे आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बिहार पुलिस अकादमी राजगीर नालंदा में इसके लिए ऑफिशियली जारी किया गया है। विषय बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में परिचारी विशेष रसोईया के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में, तो अनुरोध है कि विज्ञापन यहाँ पे 22/7/2019 तक कम से कम दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों एवं बिहार पुलिस के सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित करने की कृपया जाए, ताकि निर्धारित समय पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके। यहाँ पे किस किस पोस्ट पर है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। लेवल वन के हिसाब से आप लोग का यहाँ पे पेमेंट रहने वाला है। इसमें रसोईया के पोस्ट पर है फ्रेंड्स, पोस्ट यहाँ पे ज़्यादा नहीं, मात्र 10 ही पोस्ट रखा गया, लेकिन यहाँ पे पेमेंट अच्छी खासी है, 18,000 रुपये से लेके 56,900 तक का। यहाँ पे कुल संख्या पोस्ट का 10 है, वहीं अनुसूचित जाति के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2, पिछड़ा वर्ग के लिए 1 और अनारक्षित के लिए 5 यहाँ पे रखा गया है। इसके लिए क्या कैसे कैसे, अगर जो लोग आवेदन करना है वहाँ राजगीर में ही आप लोग को इसको करना होगा ऑफलाइन माध्यम से। इन पदों पर नियुक्ति हेतु चयन स्थल बिहार पुलिस अकादमी राजगीर होगा। आवेदन पत्र उप निदेशक बिहार पुलिस अकादमी राजगीर के कार्यालय में जमा किए जाएंगे, यानी उसके कार्यालय में ही इसको जमा किया जाएगा। आवेदक दर्शाए गए प्रपत्र में आवेदन पत्र उप निदेशक बिहार पुलिस अकादमी राजगीर के यहाँ दिनांक, यानी आप लोगों को इसका आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं, 1/8/2019 से लेकर 14/8/2019 यानी 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसका यहाँ पे टाइमिंग बताया गया है 9 बजे सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक यहाँ पे आवेदन स्वीकार किया जाएगा। वह स्वयं जमा करें तथा पावती प्राप्त करेंगे अथवा निबंधित डाक से पावती सहित उप निदेशक बिहार पुलिस अकादमी राजगीर के कार्यालय में भेजेंगे। सभी आवेदन के साथ अभ्यर्थी अपना पत्राचार पता अंकित कर एक लिफाफा निबंधित डाक टिकट सहित जमा करेंगे। अंतिम तिथि के बाद किसी भी स्रोत से प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी 14 तारीख के बाद अगर आप आवेदन करते हैं तो यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा, साफ तौर पे यहाँ पे बता दिया गया है। अभ्यर्थी को भर्ती चयन समिति द्वारा निर्गत पावती पत्र को ही प्रवेश पत्र माना जाएगा, यानी जो पावती पत्र आप लोग का होगा उस वही आप लोग का एडमिट कार्ड यहाँ पे प्रवेश पत्र आप लोग का जो होता है एग्जामिनेशन में चेकिंग किया जाता है वो आप लोग का माना जाएगा। जिस पर अभ्यर्थी का नाम एवं क्रमांक एवं फोटो अंकित रहेगा, यानी उस पर स्टूडेंट का नाम रहेगा, रोल नंबर रहेगा और यहाँ पर उसका फोटो रहने वाला है। अभ्यर्थी अपने आवेदन एवं आवेदन की प्राप्ति रसीद में निर्धारित स्थान पर अद्यतन पासपोर्ट साइज फोटो हस्ताक्षरित सुरक्षित रूप से चिपकाएंगे उस पर। अभ्यर्थी अपने आवेदन के साथ ही सभी आवश्यक प्रमाण पत्र की अभी प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करेंगे। सभी सफल उम्मीदवार नियुक्ति के समय चयन समिति के समक्ष अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चयन हेतु भाग लेने वाले अभ्यर्थी को चयन समिति के समक्ष उपस्थित यहाँ पे दिया गया है होने के कारण आने जाने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, यानी आप लोग को खुद ही खर्च करना होगा। एक आवेदक एक ही आवेदन समर्पित कर पाएंगे। यह नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1198 दिनांक 26/3/2010 जो बिहार गजट असाधारण 29/3/2010 एवं सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना 1953 दिनांक 26/12/2013 में निहित निर्देश के आधार पर की जाएगी। परिचारी विशिष्ट रसोईया पदों पर अर्हता निर्चयन की प्रक्रिया 1 जनवरी 2019 के अनुसार आप लोग का उम्र यहाँ पे सामान्य वर्ग के लिए बताया गया न्यूनतम 18 और अधिकतम 37 वर्ष होना चाहिए।
उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे बताया गया है पुरुष महिला के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 होना चाहिए, अनारक्षित वर्ग के लिए महिला के लिए मिनिमम 18 और अधिकतम उम्र 40 होना चाहिए, अनुसूचित जाति के लिए एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष महिला दोनों के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 42 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो परिचारी विशिष्ट रसोईया के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड यूनिवर्सिटी से मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा समकक्ष वर्ग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। चिकित्सा परीक्षण नियुक्ति के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य का चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। आँख कलर ब्लाइंड नेट्स यानी मेडिकल टेस्ट यहाँ पे आप लोग का किया जाएगा। परीक्षा के चरण हिंदी परीक्षा आप लोग का यहाँ पे लिया जाएगा। देख सकते हैं चयन पर्षद के एक सदस्य द्वारा सरल एवं सामान्य भाषा एक लेख लिखवाया जाएंगे जिससे आवेदक को हिंदी पढ़ने लिखने ज्ञान की जांच हो सके। इसकी अवधि एक घंटे की होगी। वहीं शारीरिक परीक्षा के बारे में यहाँ पे लिखा गया है दौड़ पुरुषों के लिए 1 मील 1609 मीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 10 मिनट निर्धारित रहेंगी। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थि असफल होंगे यानी उतना ही देर में आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर लेना। वहीं महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर होने वाला है यानी 1000 मीटर यहाँ पे इन लोगों को भी 10 मिनट यहाँ पे टाइमिंग दिया जाएगा। व्यावहारिक योग्यता परीक्षा इन प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए निर्धारित 100 अंक में से 30 अंक प्राप्त करने वाले ही उत्तीर्ण माने जाएंगे। यहाँ पे 30 अंक आपको कम से कम आरक्षण का भी लाभ यहाँ पे दिया जाएगा कैटेगरी वाइज। फिर उसके बाद ये इसका ऑफिशियली वेबसाइट है। अब इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे भी इसका जो है बिहार पुलिस का सूचना जो है पब्लिश कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।